स्वागत है आपका दस्तक मीडिया पर। अगर आप बाबा नीम करोली के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह हैं। हम आपको बाबा नीम करोली से संबंधित जानकारी वीडियो, ऑडियो, वेबसाइट और पुस्तकों के माध्यम से उपलब्ध कराते हैं। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मेश पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूँ बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथा की श्रृंखला में चलिए मेरे साथ अकबरपुर। महाराज जी का मंदिर देख रहे हैं ना, कितना सुंदर मंदिर है। ये महाराज जी का जन्म स्थल है। इसके सामने, ठीक सामने डाक बगलिया है। डाक बगलिया का भी चित्र देख लीजिएगा, जिसमें महाराज जी बैठते थे और प्रधान थे गांव के, तो प्रधानी के काम किया करते थे, लोगों की बातें सुना करते थे। ये दूसरा तीसरा चित्र मैं दिखा रहा हूं आपको। ये महाराज जी का वो स्थान है। घर में ऐसा होता ना कि चौपार अलग होती है, घर अलग होता है, तो इसमें रहा करते थे। यहां पर इनका जन्म हुआ था और यहां पर इनका ऑफिस था। प्रश्न कई लोगों ने पूछा और उसका उत्तर हमको मिला भाई दयानंद जी से, दयानंद शर्मा, बाबा नीम करोली के पारिवारिक सदस्य, चचेरे या ताऊ के लड़के दयानंद शर्मा। दयानंद शर्मा से जब मेरी बात हुई तो मैंने पूछा कि महाराज जी जब यहां आते थे तो क्या आप जानते थे कि ये हनुमान जी के स्वरूप हैं, हनुमान जी हैं? दयानंद बताते हैं कि भैया नहीं जान पाए, या तो ये जानते आम आदमी हैं। तो मैंने कहा आपका रिश्ता क्या है? कि वो मेरे बड़े भाई लगते थे। हमने कहा दर्शन किए आपने? कि नहीं, दर्शन तो हमने किए, हमारे घर हैं, बड़े भाई हैं। चलिए छोटी सी बात सुन लीजिएगा उनकी, है ना, यही है दयानंद जी। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या कहते थे आप? दद्दा कहते थे, भैया कहते थे? बोले नहीं, हम तो बाबा कहते थे। मैंने कहा बड़े भाई को बाबा कहते थे? बड़े भाई को बाबा कहना थोड़ा सा अजीब लगता था। बताते कि नहीं नहीं, सब लोग अब जो उनसे बड़े थे उनके ताऊ चाचा लगते थे। कोई लक्ष्मी कहता था, लक्ष्मण दास कहता था, और जबकि ये नाम तो कोई अपवाद स्वरूप लेता होगा, बल्कि सब लोग उन्हें बाबा कहते थे, चाहे रिश्ता चाहे कुछ भी हो। उनका कहना यह भी है कि हम जब बार बार पैर छूते थे तो उसको मना किया करते थे, बहुत प्यार देते थे, बहुत स्नेह देते थे। तो आज उनका भी एक आंगन एक है, ये पूरा परिसर में महाराज जी का मंदिर बना हुआ है और बहुत खुश हैं वो मेरे साथ। मैं बताऊंगा आपको, मैं जब अकबरपुर दर्शन करने गया था तो दयानंद जी मेरे साथ बैठकर आए थे। मुझे जयपुर जाना था उस दिन, और एतमादपुर तक मेरे साथ आए थे। बहुत सारी बातें हुई तो मैंने केवल आपको ये बताया कि किसी भी जात के, किसी भी वर्ग के, परिवार के, गांव के, क्षेत्र के लोग उनके आने पर हमेशा उन्हें बाबा नाम से पुकारते थे, बाबा जी हैं। और जब वो जाते थे तो हिरनगांव स्टेशन है, रेलवे स्टेशन आज भी है, वहां तक छोड़ने जाते थे तो बाबा की जय, बाबा की जय। बाबा नीम करोली तो वो बाद में, बहुत बाद में जाने, वो केवल ये जानते थे कि हमारे हमारे गांव के ये बाबा जी हैं और बहुत क्या उपलब्ध है। क्योंकि रेलवे रेल रोकने की घटना आपको मालूम है, विश्व प्रसिद्ध है, ये वहां पर भी थी। तो ये बहुत दिनों बाद जान पाए कि ये बाबा नीम करोली है। दयानंद जी का तो कहना यहां तक है कि जो पागल बाबा जिनकी भूमिका रही महाराज जी की समाधि वृंदावन बनवाने में, वो उनसे भी मिले हैं। और जब उनसे बाबा नीम करोली की चर्चा की तो उनसे पूछा था कि बाबा नीम करोली के बारे में बताएं, तो उन्होंने कहा था अरे वो तो मेरे गुरु हैं। ये नई बात मैं बता रहा हूं, इसमें नहीं विश्वास। चलिए एक क्लिप देख लीजिएगा दयानंद भाई की। फिर पागल बाबा के नाम से नाम आश्रम है, हाँ। तो वहाँ उनसे हमने कही कि शायद इनसे कुछ मिले इनके बारे में, हाँ। तो बताते पागल बाबा बताते थे कि हमारे गुरु है। अच्छा, हाँ। जब पागल बाबा का बहुत नाम था दुनिया, हाँ। बहुत गुरु है हमारे। तो मैंने कहा साहब आप कैसे कह रहे हो,
नहीं सब वास्तव में हमारे मतलब उनके चाहिए। आप पागल बाबा से भी मिले हो? हाँ, बहुत बड़ा आश्रम था उनका वृंदावन में। सुनी ना, ये सब बातें खोज के मिल रही हैं, आपको दे रहा हूं। चलिए आज विदा लेते हैं, फिर नए अंक के साथ मिलते हैं। राम राम। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट भी